आपका बेटा है? जी मेरा बेटा सर, उसका नाम हुसैन है। उनका नाम भी नहीं बताया। हुसैन जी, हुसैन, हुसैन, लेट्स वेलकम बेबी बॉय हुसैन, फर्स्ट चाइल्ड हु हैज कम ऑल द वे आफ्टर 5 इयर्स। कोई टेबल आप बजाए कि पहला बेबी बॉय जो है इज इन द हाउस। जगह ऐसी पे बैठा है जहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब बैठते हैं, तो हो सकता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब बन जाए आगे जाके। ये थे जी टन प्रोग्राम पीर भगाड़ा, जो मौजूदा पीर भगाड़ा साहब है उसका सक्का पनवैया हैगा। दरमियानी सी शक्ल किसकी बयान है कि देखी भी मैंने, तो इधर आते थे हमारे उधर जो ब्लैक टाइगर में था ना मैं, तो वहाँ पे ऊपर वो आते थे। तो ये शर्मिला फरूकी वगैरह आपका बच्चा, वो चंगड़ों का लगता है आपका बच्चा, तो ये वो, तो उसको शक पड़ रहा ऐसे करके देख रहा है, इसकी देखनी है देख लो, ये देख रहा है कि मैं अच्छा यार ये कहाँ से आ गया। मैं कह डी आर ने मेरा ही ना करा दे। बात हमने कहनी इब्ने बतूता। ये एक आप देख रहे हैं, इसको पाकिस्तान में आमतौर पर लाहौर में चिक्कड़ मैट कहते हैं, चिक्कड़ मैट। ये मैं कोई चीज़ ढूंढ रहा था तो ये एक जगह से मैंने निशानी ये रखी हुई थी, तो वो टेची में से ये निकल आया, कोई डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था। ये क्या चीज़ है जी? ये है जी कि एक मरतबा का जिक्र, ये कुछ 10-15 साल पहले की बात है, कि हम जा रहे थे मैं और एक हमारा भाई बच्चा, बहुत बड़ा मेहनती, उनके अबू भी मेरे उम्र में, मेरे ख्याल से 1-2 साल छोटे हैं, बच्चे अपने हाथों के पाले में हैं। राणा वजाहत शरीफ बच्चा, वो जा रहे थे तो हम पिज़्ज़े पे जा रहे थे, मैं उधर पिज़्ज़े पे काम करता था इलीगल, और वो जो था वो उधर वहाँ पे काम भी करता था और डिलीवरी बॉय भी था। अच्छा जी, उसको लिफर सर्विस कहते हैं। रास्ते में ये जगह पर दरिया आ गया था, ये राइन दरिया है ना, राइन, ये उबल के बाहर आ रहा था। ये पाकिस्तान की सड़कें थोड़ी ट्रैफिक चलती रहती, दरिया वगैरह बीच में ट्रैफिक वाल रही, लेकिन पाकिस्तान में से अच्छी चीज़ होती वो पानी की पटड़ी, पानी में डूबी हुई तो वहाँ पर से ट्रेन गुजर रही, ऐसा दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा। अच्छा जी, वहाँ क्या हुआ, तो वो एक जगह से ट्रैफिक मुड़ रही थी, इसने भी कहा चलो यार आगे जाके 29-30 किलोमीटर पढ़ना था अगर दूसरे रास्ते जाते। ये भी कहीं मोड़ने लगा तो आगे एक बंदा मोटरसाइकिल आला था, उसके साथ एक लगी हुई थी पख से बंधी हुई थी, पख जिसको कहते हैं ढोलकी सी या नहंगा या ट्राली बंधी थी, उसका ये टूट गया। ये लड़के के पास लाइसेंस था प्रोबेशनरी पीरियड, जो ट्रेनिंग वाला होता है वो लाइसेंस था, 2 साल तक रहता, बड़ा लाइसेंस की सर्दी आपा कोई नहीं जाएगा। अच्छा जी, मैं मेरे पे जिला बंदी थी, लेकिन मेरे पे चिप कार्ड नहीं लगी हुई थी, वो सिम नहीं लगी हुई थी, ना ही कड़ा डला हुआ था। ये ड्राइविंग के वाले से मैंने कुछ जुर्म किया था तो मेरे पे जिला बंदी थी, तो मैं 5-7 जिले दूर गया हुआ था, मसलन समझ लो पिंडी से जो है ना मैं बिहाड़ी पहुंचा हुआ था। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, वो उन्होंने रोक लिया, रोला डाल दिया, मियाँ बीवी थे दोनों, इन्होंने कहा जी अच्छा मैं देता हूँ, मैं आपको पैसे देता हूँ। वो क्या पुलिस को कॉल कर रहे थे, पुलिस ना बुलाएं। दिलचस्प से अभी दिलचस्पी जाने लगी है, पसीने छूट गए हैं मेरे, इस वजह से मैं कह रहा हूँ वो सोच के पसीने से। वो लड़का बच्चा कह रहा कि ना पुलिस को टूटी बजी, उस वक्त ड्यूटी उसको रेगुलर नहीं आती थी, वो कह रहा पुलिस में मैं इसको दूंगा खर्चा दूंगा ये वो वगैरह वगैरह, उन्होंने फिर भी पुलिस को कर दिया। इन द मीन टाइम ईराने ने मेरे भाई को फ़ोन कर दिया, मालिक को, शेफ को, उन्हें कहा जी मैं कितने गया, मुनीरा कितने ही, उन्हें कहना उनको भेजो थोड़ा दरिया के परली तरफ, एक और बाढ़ से लगी थी दरख्त मोटे से दरख्त के पीछे में छुप गया, कि कहीं पुलिस जब करती ना तो उंगलियां दे के चेक करती, जब कंट्रोला उसको कहते हैं, तो मैं छुप गया उधर जाके छलांग मारी उसके ऊपर मोटरवे से, छोटी मोटरवे से। अच्छा जी, उन्होंने पुलिस बुला ली, थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई 1.5-2 मिनट बाद, हालांकि वहां पे उसको 1/2 घंटा लगना था क्योंकि सैलाब की वजह से ट्रैफिक बंद हुई हुई थी, ये न जाने कहां से आ जाते।
इन द मीन टाइम भाई मेरा है ना वो इतना पुलिस वगैरह के साथ रहा नहीं है, तो मतलब कि इस क्रिमिनल वाले के, वैसे तो पुलिस अक्सर उसको बुलाती रहती, जाके तर्जमान ट्रांसलेटर बुलाती रहती, लेकिन उसको मोशन लग गया, वो बाथरूम में जाए आए बेचारा क्या करे, उसको वाजों को होती है ना चटका लगता है। फिर क्या हुआ जी, वो भी पहुंच गया, पुलिस भी पहुंच के बैठ के थे, उन्होंने पुलिस ने कहा अच्छा जी आप गलती मानते हो, हाँ जी मैं मानता, पैसा उसका दोगे, हाँ जी देंगे। उन्होंने, उनको भी यही चाहिए था कि मिल तो जाने था इस दुमची का। अच्छा जी, लिखत पढ़ाई शुरू हो गई, पुलिस ने एक पेपर निकाला, उसमें उसका जुर्म इकरार किया गया, जी मैं मोड़ रहा था, गलती तो लग गई थे, ये वो, इसका खर्चा मैं दूंगा, वो इकरार कर लिया। फिर फिक्र उसको रहने का फिर भी पड़ी, ये जुर्म इकरार कर रहा हूँ तो मेरा लाइसेंस जो है ना फिर ना रुक जाए, या रोक ना दे, सस्पेंड ना कर दें, वो एम्बार्गो ना लगा दें। फिर क्या हुआ था, फिर ये हुआ तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा जी अच्छा जी, एक और पर्चा निकाला, लिखत पड़ा तो उनको फैमिली को टोर दिया, जाओ जी आप इंश्योरेंस वाले को जो है ना आपका नंबर शंबर हमने नोट कर लिया, आपके आईडी कार्ड की ले ली कापी, आपको पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने कहा 500, इसका $500 आप इससे अंदाजा लगा लें कि $500 कितना बनता है। अच्छा जी, फिर क्या था, ये बड़ा तिलमिलाया, भाई भी बड़ा तिलमिलाया, यार ये $10-15 की आती है, €500 कहाँ से देंगे। उन्होंने कहा जी करो, वो इंश्योरेंस कंपनी हमारी भी आईडी कार्ड की ले ली उन्होंने।